गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, नया दिन। और यहाँ का मौसम इतना ऑसम है ना, मतलब इतना मस्त है। कल पूरी रात बारिश हुई है। और मैंने ये भी सुना, मेरी फ्रेंड से बात हुई थी कि दिल्ली में भी बहुत बारिश हो रही है, और जैसे वहाँ सुन रहा है कि वहाँ बारिश हो रही है, और कल रात को यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई, बिजली कड़क रही थी इतनी। मैंने कहा कि मस्त लग रहा है, ठंड पड़ने वाली है। मौसम लेकिन अच्छा हो गया, अभी कोई धूप नहीं निकली है। अभी 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मतलब 8 बजे निकल जाती है धूप, आपने देखा, एकदम ऐसा लगता है जैसे 12-1 बजे की धूप निकल रही हो। बट अभी मौसम बहुत अच्छा है, फिर हवा चल रही है, बहुत मस्त, मज़ा आ रहा है एकदम। वैसे भी गाँव में ऐसा होता है कि मतलब गर्मी रहती है, सुबह 7 बजे तक मौसम ठंडा रहता है, 8 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक थोड़ी गर्मी रहती है, उसके बाद रात को 11 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद फिर ठंड लगने लग जाती है, चाहे बारिश हुई हो चाहे नहीं हो, पर गांव में रात में ठंड लगती ही लगती है, चाहे छत पे सो चाहे नीचे सो, कहीं भी सो। और अभी कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हो। बैठ जाते हैं। और आज है मेरे जीजू का तिलक। पता ही आपको, मेरी दीदी की शादी होने वाली है, जल्दी जल्दी पास आ रहे हैं डेज, और मैं अपनी दीदी के पास नहीं जा पाई हूँ। बिकॉज़ उसका भी एक रीज़न है, मैं बताती हूँ। क्योंकि वहाँ पे जहाँ मेरी दीदी का घर है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, और इस टाइम कोरोना का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है सारी चीज़ें। हम लोग दिल्ली से आए हैं तो लोग वैसे ही बहुत घबराए हुए हैं कि नहीं, दिल्ली से आए हैं और बीच में मेरी तबीयत ख़राब, मेरी बहन की भी तबीयत ख़राब। तो थोड़ा ये था कि हाँ चलो कुछ दिन अपना आराम से अलग रहते हैं, यहाँ पे नानी के घर में अलग रहते हैं, और फिर जाएंगे। अब मैं हल्दी वाले, आज तो तिलक है तो मुझे अपने जीजू के तिलक में जाना है। मैं जाऊँगी, मेरी सिस्टर जाएगी, और बाकी मामा वगैरह सारे कज़िन्स हम लोग जाएंगे, और वहाँ का भी मैं वीडियो बनाऊँगी, व्लॉग करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। और फिर परसों है मेरी दीदी की हल्दी, तो मैं आज वहाँ से तिलक से वापस आने के बाद शायद वहाँ चली जाऊँ, या कल मैं भी वहाँ चली जाऊँ। हल्दी, मेहंदी, जो भी सारे बाकी के फंक्शंस होंगे उनमें मैं अब अपनी दीदी के साथ रहूँगी। तब पूरी कोशिश रहेगी, अगर यहाँ पे काम ना पड़े, क्योंकि नाना नानी भी है ना, वो भी अकेले पड़ जाते, तो उनके साथ भी हम में से कोई एक दो जन यहाँ होना चाहिए। तो अभी जा रही हूँ, अभी तो नहीं, मतलब निकलना तो हम लोगों को 2 बजे, क्योंकि तिलक तो वही 3 बजे से लेके 7 बजे तक, 6 बजे तक, इसी के बीच अराउंड होगा। तो अभी करेंगे तैयारी भी, तो मैं उठ चुकी हूँ और ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गई हूँ, और अब बस अब नहा के कुछ ब्रेकफास्ट करती हूँ, या नहाऊँगी बाद में, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, बाद में नहाऊँगी आराम से। तब देखती हूँ क्या बनाऊँ, मेरा मन है मौसम को देख के इतना अच्छा कि आज नाश्ते में मैगी बनाई जाए, तो चलो मैगी बनाते हैं। सो ये मैं हूँ और ये मेरी मैगी है, और अब मैं इसे खाऊंगी, यम्मी यम्मी मैगी। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, मेरी मेरी दो सिस्टर्स, और हम निकलेंगे, बाहर खड़ी हुई है गाड़ी। सो हम लोग बैठ चुके हैं कार में। सो अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी है पानी पीने के लिए, मतलब बॉटल लेने के लिए उतरे थे। बहुत तेज़ प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, कितना लंबा रास्ता है। ये लोग भी बेहोश पड़े हैं, लगता है वहाँ पहुँचते पहुँचते बेहोश हो जाएंगे, गर्मी से सबकी जान बेहाल है। जितना इन लोगों ने मेकअप किया था सब पानी में चला गया। अब बस वहाँ पहुँच के मैं आप मिलती हूँ, अब नहीं बनाऊँगी वीडियो वगैरह, गर्मी से हालत खराब हो रही। गाड़ी रोकी, बहुत अच्छी जगह है इन लोगों ने, नाइस। अरे गाड़ी कहाँ से आ गया, ट्रक। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और एंट्रेंस दिखाती हूँ। तो ये एंट्रेंस है यहाँ से, व्हाट डज परफेक्ट इवन मीन, इज देयर इवन सच अ थिंग, कैन वी स्विच अप ऑल द रूल्स एंड इमेजिन अ यूटोपिया, डार्लिंग आई एम जस्ट सो फेड अप विद दिस एक्सपेक्ट, they keep weighing me down, my heart is begging me to get the hell out। चल रहे हैं अंदर, बाकी अंदर जाके देखते हैं मेरे जीजा जी ने कितनी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। वैसे बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं, देख के तो ये लग रहा है। मैं आ चुकी हूँ अपने जीजू के घर, यानी कि मेरे दीदी के ससुराल, और नीचे सारे गेट्स बैठे हुए थे, तो हम लोगों को बहुत, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, तो मैं छत पे आ गई हूँ। तो अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, मेरे को उधर हो रखी है वो डेकोरेशन।
स्टेशन, वहाँ पे सब बैठे हुए, घर में भी सब बैठे हुए। काफ़ी देर तक मैं अपने जीजू के पास बैठी थी, बट वीडियो बनाने में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था तो मैंने भी किया नहीं, बट बाद में जैसे ही मौका मिलेगा तो उनके साथ भी वीडियो बनाऊँगी। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और मेरे नाना, पूरी तैयारी चल रही है तिलक की और अब सब सामान चढ़ेगा, और जो जो सामान चढ़ेगा मैं उसका भी वीडियो बनाने वाली हूँ। सब मेरे जीजू रेडी होने के लिए गए हैं, फिर आ जाएंगे तो तिलक स्टार्ट हो जाएगा, सारा सामान वहाँ पर चढ़ाएंगे। एक सामान तो पीछे यही रखा हुआ है, क्या है ये? आई थिंक ये अलमीरा है ना, अलमीरा है ना, अलमीरा है, अभी सब खुलेगा वहाँ पर चढ़ाएंगे। तो अभी मेरे जीजू की एंट्री होने वाली है, बस वहाँ पे फोटोशूट हो रहा है उनका, गाना भी बहुत अच्छा है एंट्री पे। ओह माय गॉड, माय डैशिंग जीजू, थोड़ा क्लोजअप ले ले। क्लोजअप लेना, मास्क नहीं पहने, कमरा मरम और थ्रो और थ्रो धीरे धीरे चलते हैं। आज खुलने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ। अभी गए मेरे जीजू स्टेज की तरफ, तो ये मेरे जीजू चढ़ गए हैं स्टेज पे और ये बैठेंगे और अब तिलक चढ़ने की रस्म होगी पूरी। कहाँ है मुझे दिख नहीं रहे, ये रहे बीचों बीच में, पूजा स्टार्ट होने वाली है।